हेलो गाइस, दिस गेमर हियर। और गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक स्नो हाउस जो मैंने बनाया था। और लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्ट हमारा आता है कैंप फायर, जो आप लोगों को पता है विंटर में आप लोगों को लगता ही है वॉर्म के लिए। और इधर सीटिंग अरेंजमेंट भी कर चुके हैं हम, क्योंकि वार्मनेस तो हम लोगों को चाहिए, राइट। और तो नेक्स्ट करते हैं हम। और ये है मेरा टीवी, आप लोग भी ऐसा बना सकते हो, सेम टीवी, सिर्फ आपको इधर बैनर्स लगाने हैं और नीचे लीवर लगनी है नॉर्मल सी, और आपका टीवी तैयार। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और आप ऐसे कारपेट डिज़ाइन भी कर सकते हो। और लेट्स वॉच दिस व्यू, ये बहुत अच्छा व्यू है एक्चुअल में। और आप लोगों को पता नहीं होगा कि माइनक्राफ्ट ने एक पॉकेट एडिशन का अपडेट निकाला था। स्नो विंट, जब स्नो होता है ना बाहर, तब वो लीव ऐसे हो जाती है, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ। और आप लोग सोच रहे थे ये कुछ नहीं है, मतलब ये तो मर्ज है ना, इससे क्या होगा। नहीं, ये तो एक बेडरूम है, देखिए इसे लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोगों को पता है पढ़ना कितना पसंद है मुझे और इसीलिए मैंने बहुत सारे बुक्स और लैंटर्न लगाए। लास्ट हाउस में भी था, आप लोगों को पता होगा ना। और ये है मेरा किचन, आप भी ऐसा बना सकते हो। आप लोगों की सिर्फ चीज़ें क्वार्ट्ज चाहिए और ये सब चाहिए। ये सब सर्वाइल में बना सकता हूँ मैं, ये सब सर्वाइल में मैंने बनाया है। देखो ये डिज़ाइन भी अच्छा होता है। और आप लोग इस किचन भी बना सकते हैं अपने फर्नेस और ये सब रखने के लिए। फिलहाल ये आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमारे इसमें कुछ कंट्रैप्शन नहीं थे। फॉर एग्जांपल रेडस्टोन कंट्रैप्शंस जो हर एक वीडियो में होना चाहिए, राइट। और इस वीडियो में है, आप लोगों को लग रहा होगा कि नॉर्मल स्टेयर कैसे नहीं, पर When we click this lever, bam, एक स्टोरेज रूम भी बन सकता है। आप लोग इसको बहुत ईजीली बना सकते हो। आप लोगों को पता होगा कैसे बनाना है। आप लोगों को सिर्फ इतने ऐसे ये प्लेस करने हैं बहुत सारे स्टिकी पिस्टन्स और अंदर से वायरिंग कर देनी है। तो कैसे, आप जस्ट ऐसे करोगे, लिविंग रूम आज बाद में ये आपके स्टोरेज स्पेस भी बहुत अच्छा होता है। और लेट्स गो टू अपर टॉप। और आप लोग बोल रहे हैं ये क्या होगा, ये मेकअप रूम जैसा होता है, ठीक है। देखो ये मिरर जैसा लग रहा है, राइट। आप लोग भी ऐसे बैनर बना सकते हो बहुत इजीली। और ये हमने एक सीटिंग अरेंजमेंट कर चुके हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट सबके लिए चाहिए, राइट। और इधर बैठे, चलो सो जाते हैं फिर। गुड मॉर्निंग, देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है। ये विलेज बहुत सारे रहते हैं इस स्नो विलेज में, आई लाइक दैट विलेजेस। फिलहाल की पेंटिंग्स लगाए थोड़े से डेकोरेशन के लिए। और ये सारे चेस्ट है जिसमें ये सब आइटम रख सकते हैं हम लोग, आप लोगों को बताऊंगा। और ये देखो ये इधर क्या कर रहा है, ए हुट, मेरे कंधे पर नहीं बैठा था क्या, मुझे अभी पता चलता हूँ मेरे आप कंधे पर बैठे हैं। इधर भी एक गैलरी है, बहुत अच्छी दिखती है ये। और गैलरी तो आप लोगों को पता है सब इसमें होती है। इफ़ आपको लोगों को पता नहीं होगा कि पैरट जो है हमारे इस पर बैठ सकते हैं, और जब आप जंप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा जंप किया इधर से, तो ऐसे पैरट जो है जंप हो जाते हैं कभी कभी, ओके। तो आप लोगों को पता है। और आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा फेवरेट ये फ्रिज, सिर्फ बटन दबाओ अपना गोल्डन एप्पल खाओ आ जाओ। ये आप बहुत अच्छे कर सकते हो, इसका घर का नाम भी हो सकता है स्नो हाउस। और लेट्स प्रीव्यू फ्रॉम द आउटसाइड। और जैसे आप लोगों को पता चल भी चुका होगा कि एक स्टैंड है हॉर्स के लिए, इन हॉर्स के नाम तो नहीं है पर नंबर ज़रूरी है। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये कर रहे हैं, और ये नंबर थ्री जो अभी मैं लेकर आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ एक्चुअल में, बहुत काम कर आया हूँ।
और ये आप लोग बोलो ये क्या होगा, तो आप लोगों को पता चले जाएगा ये क्या है, ट्रैम्पोलिन। और ये देखो ये क्या होता है, स्नोबॉल्स भी उछल रहे हैं हमारे साथ, तो एक काम करते हैं हम भी जाते हैं स्नोबॉल्स के साथ उछलने। ओके आप लोगों को मिडल में खुद करते, ओ तू आ गया का, ओ तुम्हें भी ट्रैम्पोलिन में आने लगते हैं। 1 2 3 वो आप लोगों को मिडल में रहना है, तो आप लोगों को और जोर से करेगा, मतलब और जोर से ऊपर जाएगा, आप देख रहे हो ऐसा। 1 2 3 एकदम कोने पर खड़े रहने से ना, देख रहे हो, ये बहुत एंजॉयबल है फ्री टाइम में। फ्री टाइम में अपने टंगड़े पकड़ एक इधर, हाँ चल हम चलते हैं, तू तो ट्रैम्पोलिन में आ नहीं सकता, आ सकता तो बहुत अच्छा होता। हेलो विलेजर, हाउ आर यू, ट्रेड करेगा, ट्रेड में क्या है, कुछ फालतू तो सामान दे रहा है, इतना बड़ा है मेरे पास। और ये सोचे ये कौन सा घर है, ये मेरा सिस्टर का हाउस है, लास्ट टाइम उसने, ये उसका ही वर्ल्ड है, ये लास्ट टाइम उसने बनाया था। और क्या तुम्हें जाना है, क्या जाओ। और ये एक विदर्स स्केलेटन है, और ये बहुत डिसेंट हाउस है मेरी तरफ से, मेरा बहुत बड़ा है। और ये आप लोग भी ऐसे टेबल बना सकते हो बहुत इजीली, कैंप फायर, और आप लोगों को पता है विंटर लीव्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये एक सिंपल कंट्रेप्शन उसने किया था, देखो एक लीवर दबाना है और सारे ऐसे आगे पीछे हो जाएंगे, नाइस। और आप लोग बोल रहे ये बेड नहीं होगा, यस ये बेड है, नीचे से बेड है, मतलब जब रात होगी तब आप इसके अंदर सोएंगे, तो कैसा कोजी नजर आता है। और ये किचन है बहुत इजीली, ये फ्रिज तो नहीं है पर ऐसे फ्रिज ऐसे कर सकते हैं हम। और आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप लोग ऐसे डिजाइन कर सकते हो बहुत इजीली, आप लोगों को सिर्फ स्टेयर्स चाहिए और तैयार। नाउ लेट्स गो टू आवर हाउस, और हमारे हाउस के जानकारी देते हैं, तो इधर बैठ, ठीक है, रक्षा कर हाउस की है। नाउ लेट्स गो टू आवर हाउस, मुझे इलेक्ट्र भी चाहिए था। लेटर लाना भूल गया लगता है, ये हाउस बहुत अच्छा दिखता है धुएं से। मैं अब सर्वाइवल में इसीलिए मुझे बिल्ड करना पड़ता है, वरना क्रिएटिव में होता तो जरूरी है सब दिखाता। दिस इज द हाउस, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और उधर भी एक चिमनी है, आप लोगों को पता नहीं होगा, तो नीचे से कनेक्ट होकर ऊपर जाती है। आप ऐसा हाउस बना सकते हो, देखो बाहर ग्लोस्टोन भी लगा सकते हो, जिससे आपका हाउस बहुत अच्छा दिखेगा, और बाकी सब लोग भी आप लोगों को क्रिएटिव बिल्डर बोलेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए सिर्फ वीडियो की इतना ही, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इफ़ यू एंजॉय दिस हाउस, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि नेक्स्ट इस टाइम ये स्नो वाला था, नेक्स्ट टाइम डेजर्ट वाला होने वाला है, तो से ट्यून्ड, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और मैं चला, बाय 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 विलेजर।